Hi everyone, welcome back to Learning Wise, your own educational channel. And I'm your host Kamlesh Sharma. आज की ये वीडियो क्लास सेवेंथ कोड बॉट के चैप्टर फोर से रिलेटेड है. चैप्टर फोर मीन्स इट्स अबाउट फोटोशॉप, इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप एक्चुअली. तो हम स्टार्ट करते हैं. दिस इज अ रिविजन वीडियो आई एम टेलिंग यू, ठीक है. सो बहुत डिटेल में प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं हम लोग. वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक्स विच आर कवर्ड इन दिस चैप्टर, ठीक है. तो सबसे पहले इसमें क्या क्या बताया जा रहा है, तो ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं. फोटोशॉप क्या है, फोटोशॉप के फीचर्स क्या हैं, देन व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फोटोशॉप विंडो, व्हाट आर द टूल्स ऑफ फोटोशॉप एंड द कलर मोड्स एंड फिल्टर्स, ठीक है. तो हम ये सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे. नाउ लेट्स फर्स्ट सी फोटोशॉप होता क्या है. फोटोशॉप एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, बहुत क्रिएटिव इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और इसको डेवलप किया है एडोबी सिस्टम्स ने, ठीक है. तो कंपनी का नाम एडोब है या एडोबी, व्हाटएवर यू कॉल इट, और फोटोशॉप इस सॉफ्टवेयर का नाम है. बहुत पॉपुलर है. हम इससे क्या क्या कर सकते हैं. सो फोटोशॉप में आप इमेज को क्रिएट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और उसको उसके ऊपर ऑप्टिमाइजेशन, यू नो, आप उसको और ज़्यादा बेटर भी बना सकते हैं, राइट. सो आप बहुत सारी चीज़ें जो आप फोटो से रिलेटेड सोच सकते हैं, दे ऑल कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ फोटोशॉप, ठीक है. आगे बढ़ते हैं और इसके फीचर्स की बात करते हैं. अंडरस्टैंडिंग एंड सिलेक्टिंग पिक्सल्स. सो फोटोशॉप में बेसिकली ये जो डिजिटल इमेजेस हैं, आई मीन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हर इमेज जो है छोटे छोटे टाइनी स्क्वायर्स से मिलके बनती है एंड दो स्क्वायर्स आर कॉल्ड द पिक्सल्स, ठीक है. सो ये जो है ये बहुत ही बेसिक, आई मीन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, आई मीन ये स्मॉलेस्ट यूनिट है स्क्रीन की, ठीक है, पिक्सल. और हर एक इमेज पिक्सल से मिलकर बनी होती है. आप पिक्सल को चेक करने के लिए इमेज को मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं. आप बहुत ज़्यादा अगर इमेज को मैक्सिमाइज करते हैं तो आपको स्क्वायर बॉक्सेस नज़र आने लग जाते हैं विच आर नथिंग बट द पिक्सल्स, ओके. नेक्स्ट इज पेंटिंग इमेज. आप बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं फोटोशॉप में जिनकी हेल्प से आप इमेज को पेंट कर सकते हैं, पिक्सल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, पिक्सल लेवल पे काम कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज एडजस्टिंग कलर्स. आप कलर्स को एडजस्ट कर सकते हैं, पूरी इमेज ना सही, आप इमेज के किसी स्पेसिफिक पार्ट को भी जो है कलर कर सकते हैं और उसके कलर्स चेंज भी कर सकते हैं. देन अप्लाइंग फिल्टर्स. आप जो है बहुत सारे फिल्टर्स फोटोशॉप आपको देता है, वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और अपनी इमेज को और ज़्यादा डिफरेंट और ब्यूटीफुल बना सकते हैं, ठीक है. सो ये तो है फोटोशॉप के फीचर्स. नाउ द नेक्स्ट इज हाउ डू यू स्टार्ट फोटोशॉप एंड क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट. तो फोटोशॉप स्टार्ट करने के लिए पहले फोटोशॉप का होना इम्पॉर्टेंट है. आपके सिस्टम में फोटोशॉप होना चाहिए. तो फर्स्ट इंस्टॉल इट ऑन योर कंप्यूटर एंड देन आप स्टार्ट पे जाके फोटोशॉप सर्च कर सकते हैं, ठीक है. एंड यू विल बी एबल टू ओपन फोटोशॉप. न्यू फाइल कैसे क्रिएट करते हैं फोटोशॉप में. कंट्रोल एन या फिर फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको एक फाइल क्रिएशन का, ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट का ये डायलॉग बॉक्स नज़र आता है विच लुक्स लाइक दिस फिगर, ठीक है. यहाँ पे आप इमेज का नाम देते हैं, इमेज के डायमेंशंस देते हैं. अब क्योंकि हम इमेज पे काम कर रहे हैं तो इसकी लेंथ एंड विड्थ हमें मेंशन करनी होती है एंड फाइनली हम लोग क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है. सो इस तरीके से एक न्यू फाइल क्रिएट की जा सकती है फोटोशॉप में, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज फोटोशॉप विंडो. फोटोशॉप विंडो में क्या क्या होता है. ये फोटोशॉप विंडो है, आपको डिफॉल्ट जब आप ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी. सबसे टॉप पर दिखेगा मेन्यू बार जिसमें फाइल, एडिट, इमेज एक्सेट्रा होता है. उसके नीचे में ऑप्शन बार है, ठीक है. ऑप्शंस जो है जिस टूल को आप सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड ऑप्शंस आपको दिखने लग जाते हैं. तो ये ऑप्शन बार जो है विद रिस्पेक्ट टू द टूल काम करता है. देन नेक्स्ट इज द टाइटल बार. टाइटल बार यहाँ पे ये है और ये आपको जो भी आपने इमेज या जो भी फाइल आपने ओपन की है उसका नाम शो करता है. आप एक से ज़्यादा अगर फाइल ओपन करेंगे तो वो यहाँ पे नेक्स्ट एंड नेक्स्ट टैब करके ऐसे ऐसे बन जाएगा, ठीक है. देन बॉटम में टूल बॉक्स. नाउ सी ये सबसे इम्पॉर्टेंट है.
टूल बॉक्स ही वो बेसिकली एलिमेंट है जिस पर हम काम कर रहे होते हैं फोटोशॉप में। हमारा सारा काम टूल बॉक्स के अंदर जो टूल्स हैं उन्हीं की हेल्प से होता है इस सॉफ्टवेयर में। नीचे स्टेटस बार है जो कि आपके वो फाइल के डाइमेंशंस और जो भी टूल्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं उनके बारे में बता देता है। देन इमेज विंडो, ये जो है ये मेन वर्किंग एरिया है, ठीक है, कैनवस एरिया है आपका फोटोशॉप का। और राइट साइड में है ये पैलेट्स, ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे पैलेट्स जो है वो विजिबल होते हैं। अगर नहीं हो रहे होते हैं तो आप विंडोज़ में जाके उनको डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है, इनके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। राइट, सो ये सारे डिटेल्स लिखी है आपके इन ऑप्शंस की, लाइक मेन्यू बार डिस्प्ले द मेन्यू दैट कंटेन मोस्ट ऑफ द कमांड्स एंड फंक्शंस ऑफ फोटोशॉप, ठीक है, तो जितने भी कमांड्स हैं फोटोशॉप के वो सारे मेन्यू बार में हैं। देन नेक्स्ट इज ऑप्शंस बार। ऑप्शंस बार जो है इट डिस्प्ले कंट्रोल्स दैट लेट यू कस्टमाइज द सिलेक्टेड टूल्स इन द टूल बॉक्स। एज आई सेड, टूल बॉक्स में जिस टूल को आप सेलेक्ट करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शंस बार में नज़र आ जाएंगे। टाइटल बार में आपको सेलेक्टेड इमेज या सेलेक्टेड फाइल का जो है टाइटल नज़र आता है। इमेज विंडो में यू कैन ओपन एन इमेज इन द इमेज विंडो इन फोटोशॉप, ठीक है, यहाँ पे आप जो है बेसिकली काम करते हैं। पैलेट्स वो छोटी छोटी स्मॉल विंडोज हैं दैट गिव एक्सेस टू द कॉमन कमांड्स एंड रिसोर्सेज, जैसे कि कलर पैलेट होता है, ठीक है, देन लेयर्स का एक आपके पास जो है डायलॉग बॉक्स मिल जाता है। सो दिस में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पैलेट्स एंड डायलॉग बॉक्सेस हैं जो आपको राइट साइड में नज़र आते हैं। देन स्टेटस बार डिस्प्लेज द मैग्निफिकेशन ऑफ द करंट इमेज एंड द अमाउंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी द इमेज यूजेस, ठीक है, तो ये भी इमेज के बारे में बताता है कि कितनी मैग्नीफाई कर रखी है आपने इमेज और कितनी वो मेमोरी को यूज कर रहा है। देन नेक्स्ट इज टूल बॉक्स। एज आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू, टूल बॉक्स में वो सारे टूल्स हैं जिनकी हेल्प से आप फोटोशॉप पे काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्किंग विद फोटोशॉप, इमेज ओपन कैसे करनी है। तो इमेज ओपन करने के लिए या तो आप फाइल में जाके ओपन पर क्लिक कर लीजिए या कंट्रोल ओ प्रेस कर लीजिए, बोथ द वेज आर फाइन, ठीक है, दोनों में से किसी भी तरीके से आप डायलॉग बॉक्स आई मीन फाइल का ओपन डायलॉग बॉक्स भी ओपन कर सकते हैं, फाइल ओपन हो जाए। चेंजिंग ऑन स्क्रीन साइज ऑफ द इमेज, इमेज का ऑन स्क्रीन साइज, आप स्क्रीन पर इमेज जितनी दिख रही है आप उसको उसका साइज देख चेंज कर सकते हैं, ठीक है, एंटायर इमेज के बदले अगर आपको एक स्पेसिफिक एरिया व्यू करना है तो आप वो भी कर सकते हैं बाय चेंजिंग द ऑन स्क्रीन साइज। और ये होगा कैसे, सबसे पहले आप मेन्यू बार में इमेज ऑप्शन पे, ये इमेज टूल है, इसको क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको दिखेगा इमेज साइज का ऑप्शन, इमेज साइज को आप क्लिक करिए, इमेज साइज डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, उसमें से आप जो है जो भी आपको डायमेंशंस रखनी है, हाइट विड्थ रेजोल्यूशन, वो आप सेट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप रीसैम्पल चेक बॉक्स को जरूर क्लिक करें, यहाँ पे ये रीसैम्पल चेक बॉक्स है। ये रीसैम्पल चेक बॉक्स क्या करता है, इट इज बेसिकली यूज्ड टू चेंज द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन द इमेज एज पर द साइज गिवन बाय यू। जो साइज आपने दिया है, जो भी साइज आप मेंशन कर रहे हो डायलॉग बॉक्स में, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग इमेज के पिक्सल्स को अरेंज कर देता है, ताकि आपकी इमेज जो है वो ऑकवर्ड ना दिखे, वो बिल्कुल करेक्ट दिखे, जैसे दिखनी चाहिए, ठीक है। नाउ मेजरमेंट यूनिट्स एंड पिक्सल फोटोशॉप, तो फोटोशॉप की जो मेजरमेंट यूनिट है बेसिकली पिक्सल है, और पिक्सल के अलावा हम इंच सेंटीमीटर वगैरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आप जब आप फाइल क्रिएट करते हो तो यहाँ पे ये डायमेंशंस का डायलॉग बॉक्स आता है, ड्रॉप डाउन बॉक्स आता है, यहाँ आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो सारे आपको ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे। फ्रॉम देयर आप अपनी चॉइस का जो भी आपको यूनिट चाहिए वो आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज चेंजिंग द कैनवस साइज। नाउ कैनवस साइज ऑफ एन इमेज का क्या मतलब है, आप चाहते हैं आप अपनी इमेज के टॉप में और बॉटम में वाइट एरिया ऐड करें और इमेज जो है सिर्फ सेंटर में नजर आए,
तो उसके लिए आपको कैनवस साइज जो है चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सो कैसे करेंगे? इमेज मेन्यू पे क्लिक करेंगे, कैनवस साइज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कैनवस साइज डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और वहाँ पे आपको जो भी मेजरमेंट आई मीन जो भी डायमेंशंस चाहिए, हाइट एंड विड्थ, वो आप सेट कर लीजिए। उसके बाद आप जो है यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि आप ये एंकर पॉइंट को क्लिक कर लीजिए। ठीक है, लाइक यहाँ पे सेंटर को एंकर पॉइंट बनाया हुआ है, विच इज क्वाइट अ गुड आइडिया कि सेंटर जो है वो एंकर रहे हमारी इमेज का। फाइनली जो है उसे फाइनली क्लिक कर दीजिए ओके को, तो आपकी इमेज जो है सेंटर में आ जाएगी और ऊपर और नीचे आ जाएगा वाइट वाइट स्पेस, विच इज दी कैनवस। ठीक है, तो आप इस तरीके से इमेज का कैनवस साइज जो है ऐड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द यूजेज ऑफ द टूल्स। तो सबसे पहला टूल यहाँ पे है जूम टूल। जूम टूल क्या करता है, किसी भी इमेज को मैग्नीफाई कर देता है। जहाँ पे भी इमेज के जिस पोर्शन पे आप जाके जूम पे क्लिक करेंगे, वो वाला एरिया जहाँ जूम टूल क्लिक किया है आपने, एग्जैक्टली वो वाला लोकेशन जो है जूम हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, मैग्नीफाई हो जाएगा। ठीक है, और जूम टूल का जो शॉर्टकट है वो है जेड। फाइन, तो जेड जो है जूम का शॉर्टकट है। एक चीज और, जूम में दो जूम होते हैं, एक है प्लस और एक है माइनस। प्लस मीन जूम इन और माइनस मीन जूम आउट। ठीक है, नाउ कंट्रोल प्लस इक्वल टू, ये जो है इससे भी आप जूम इन कर सकते हैं। फाइन, तो ये भी एक शॉर्टकट की है। नेक्स्ट इज द क्रॉप टूल। आई थिंक सभी लोगों ने क्रॉप टूल यूज किया होगा। क्रॉप टूल करता क्या है, इमेज के अंदर से कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन, कोई एक स्पेसिफिक पार्ट आपको चाहिए, तो आप उतने पार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं क्रॉप टूल की मदद से। अब क्रॉप टूल करता क्या है, बाकी का जो हिस्सा है, जो अनवांटेड हिस्सा है, उसको डिलीट कर देता है। ठीक है, आपको सिर्फ आपका डिजायर्ड पार्ट देता है इमेज। इसका शॉर्टकट है सी। कीबोर्ड पे अगर आप सी प्रेस करेंगे तो क्रॉप टूल एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही क्रॉप टूल एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए ये क्रॉप हैंडल्स आ जाएंगे लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम में, और फिर आप इसको क्लिक करके इसे ड्रैग करके रिसाइज कर सकते हैं क्रॉप हैंडल्स को, और अपने अकॉर्डिंग जो है इमेज का जो हिस्सा आपको चाहिए वो रखिए और बाकी डिस्कार्ड कर दीजिए। ठीक है, आई होप कि सभी को ये समझ आ रहा है। नेक्स्ट इज द सिलेक्शन टूल्स। नाउ बहुत बार इमेज पे जब हम काम करते हैं, तो हमें इमेज का कोई एक स्पेसिफिक एरिया, कोई एक स्पेसिफिक पोर्शन सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो वहां पे हमें सिलेक्शन टूल्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, राइट? तो सबसे पहले जो सिलेक्शन टूल हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो है मार्की टूल। ओके, MARQUEE, मार्की टूल। मार्की टूल का शॉर्टकट है कैपिटल M। ठीक है, कैप मतलब आप कीबोर्ड से M प्रेस करेंगे, कैपिटल हो या स्मॉल हो, वट एवर इट इज, आप जैसे ही M प्रेस करेंगे मार्की टूल एक्टिवेट हो जाएगा। वन मोर थिंग, मार्की टूल के अंदर चार मार्की टूल्स आते हैं, रेक्टेंगुलर मार्की, इलिप्टिकल मार्की, सिंगल रो मार्की एंड सिंगल कॉलम मार्की। इस बुक के हिसाब से आपको सिर्फ दो मार्की टूल्स दिए हैं, रेक्टेंगुलर और इलिप्टिकल, तो वी विल डिस्कस ओनली दोज टू। पहले रेक्टेंगुलर की बात कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर मार्की क्या करता है, इमेज को रेक्टेंगल पोजिशन, रेक्टेंगल शेप में जो है सेलेक्ट करता है। ठीक है, आप यहाँ पे भी इमेज में देख सकते हैं एक फ्लावर है, पर जैसे ही रेक्टेंगुलर मार्की यूज किया तो वो एक रेक्टेंगल की शेप में जो है सेलेक्ट कर रहा है एरिया को। ओके, दैट इज व्हाई इसका नेम रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर है। फाइन, सिमिलरली इलिप्टिकल जो है, इलिप्स का मतलब है ओवल शेप, तो जैसे ही आप इलिप्टिकल मार्की को चूज करते हैं, वैसे ही आप ओवल शेप में या सर्कुलर शेप में इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। फाइन, नाउ द नेक्स्ट इज लैसो टूल। अच्छा, देयर इज अ कंप्लीट डिफरेंस बिटवीन मार्की एंड लैसो टूल। मार्की टूल
रेक्टेंगल और ओवल शेप के लिए काम करता है, पर हर इमेज ओवल और रेक्टेंगल शेप की नहीं होती है। बहुत सारी ऐसी इमेजेस भी होती हैं जो बड़ी इररेगुलर होती है, लाइक जैसे अपने आप में ये फ्लावर, इसमें बहुत सारे जो है ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, ठीक है, बहुत सारे एजेस भी हैं। तो इस केस में क्या होगा, हम रेक्टेंगल भी चूज करेंगे या एलिप्टिकल भी चूज करेंगे तो भी उन दोनों मार्केट टूल्स से फ्लावर की एग्जैक्ट शेप में सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। तो जब आपको इमेज, आपकी इमेज जो है बहुत ही इररेगुलर सी है, फाइन, और आपको इमेज के एजेस को ही सेलेक्ट करना है, देन फॉर दैट आपको लैसो टूल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लैसो टूल क्या करता है, ऑड शेप इमेजेस को सेलेक्ट करने का काम करता है, एंड दिस इज अ वंडरफुल टूल इन फोटोशॉप। इसमें तीन टूल्स आते हैं, रेगुलर लैसो, पॉलीगनल लैसो एंड मैग्नेटिक लैसो। थर्ड इज द मैग्नेटिक लैसो हियर, ठीक है। एक एक करके डिस्कस करते हैं तीनों को। रेगुलर लैसो क्या करता है, ये कर्व्ड या कर्व्ड सिलेक्शंस करता है। बेसिकली इस केस में आपको करना क्या होता है, यू हैव टू क्लिक समवेयर और फिर आपको जो है आगे आगे जाके क्लिक करना पड़ता है, एंड क्लिक क्लिक करके आप जो है फाइनली आपको जो है जहाँ पे आपने स्टार्ट किया था वहीं पे लाके मैच करना पड़ता है, बिकॉज तभी जो है आपकी क्लोज फिगर बन पाती है, राइट। सो रेगुलर लैसो में आपको क्लिक ज़्यादा करना पड़ता है, प्लस ये बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छे से आप इसको रोटेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो ये लैसो है, नॉर्मल रेगुलर लैसो है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं बताना भूल गई, लैसो का शॉर्ट फॉर्म जो है, आई मीन कीबोर्ड शॉर्टकट है, वो है एल। एल प्रेस करेंगे तो लैसो एक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज पॉलीगनल लैसो। पॉलीगनल लैसो क्या करता है, ये ऐसी पिक्चर्स पे काम करता है जिनके एजेस स्ट्रेट हैं। जैसे अगर आप ये पिक्चर देखें तो ये एक स्ट्रेट एज है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है, तो सारे स्ट्रेट हैं, सीधी सीधी लाइनें हैं। तो इस तरीके की इमेज में पॉलीगनल लैसो बहुत अच्छे से काम करता है। नेक्स्ट आपका आता है मैग्नेटिक लैसो। मैग्नेटिक लैसो क्या करता है, मैग्नेटिक लैसो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टूल है, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है। उस वो क्या करता है, इमेज कितनी भी कर्व्ड हो, कितनी भी उसके अंदर एजेस हो, कैसी भी शेप हो, आप उसे क्लिक करिए और यूज़ करिए, ये पिक्सल के कलर्स के साथ, मींस बेसिकली एजेस के साथ स्टिक कर जाता है और इमेज की शेप में ही सिलेक्शन कर देता है, और बहुत ही ब्यूटिफुली ये स्नैप करता है एजेस के साथ, एंड दिस इज़ द रीज़न ये बहुत ही नीट एंड क्लीन सिलेक्शन क्रिएट करता है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड टूल आउट ऑफ द लैसो एज वेल एज द मार्की टूल्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टूल की बात करते हैं, मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल क्या करता है, हम इसकी हेल्प से जो है सिमिलर कलर की पिक्सल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसी शेप है या कोई ऐसा कलर है जहाँ पे, सपोज एक इमेज है जिसमें बहुत सारे कलर्स हैं, पर आपको एक ऐसा एरिया सेलेक्ट करना है जहाँ पे एक सिंगल कलर आ रहा है या मैचिंग कलर आ रहा है, तो आप वहाँ जाके मैजिक वॉन्ड की हेल्प से उसे सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर चाहे तो उस कलर को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैजिक वॉन्ड बहुत हेल्पफुल रहता है, इसकी शॉर्टकट है W, राइट। देन मूविंग द सिलेक्शन, मूवमेंट के लिए हमारे पास मूव टूल है, शॉर्टकट है इसकी V, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन करते हैं और फिर मूव टूल से मूव करवाते हैं उसे, जिधर भी लेके जाना है वहां पे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। नाउ पूरी इमेज सेलेक्ट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल ए करना पड़ेगा, या सेलेक्ट में मेन्यू बार में सेलेक्ट में जाके ऑल को सेलेक्ट कर लो, ऑल को क्लिक कर लो, ठीक है। सो दो तरीके हैं, सेलेक्ट में जाके ऑल को क्लिक करो या फिर कंट्रोल प्लस ए करो, ठीक
ठीक है, टू वेज, राइट। नाउ नेक्स्ट इज द क्लोन स्टेम टूल, वेरी इंटरेस्टिंग टूल, बहुत ही मजेदार टूल है। क्लोन स्टेम क्या करता है, ये इसके दो काम है, या तो आप क्लोन स्टेम से क्लोन बना लीजिए, मतलब जिस भी एरिया को आपको कॉपी करवाना है पहले तो उस एरिया को जाके टारगेट करवाइए और फिर उसका क्लोन बना दीजिए, एक काम ये है। दूसरा काम इसका क्या है, ये फ्लॉज को इरेज करता है, विच इज़ अ ब्यूटिफुल एप्लीकेशन ऑफ दिस टूल। मतलब मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी फोटो है जो बहुत ही डिस्टॉर्टेड है, उसमें ऐसे बैकग्राउंड में ऐसे पैचेस हैं जो कि बहुत ही गंदे लग रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, क्लोन स्टैम्प की हेल्प से इमेज का जो भी क्लीन एरिया है उसको टारगेट करके उन पैची एरियाज पे जाके जो है पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं किसी दूसरी वीडियो में इस टूल का, इनफैक्ट इन सारे टूल्स का यूजेज बताऊंगी, बट अभी ये फिलहाल रिवीजन वीडियो है तो इसे थ्योरेटिकली समझ लीजिए, ठीक है। सो क्लोन स्टेम टूल को हम का शॉर्टकट एस है, और जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो ब्रश आ जाता है, ब्रश का साइज और आप हार्डनेस ऐसे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑल्ट की प्रेस करनी होती है, ऑल्ट की बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्रेस करनी, अगर नहीं करेंगे तो आपको लगेगा ये क्लोन स्टेम काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पहले ऑल्ट की प्रेस करिए कीबोर्ड पे, जैसे ही ऑल्ट की प्रेस हो जाए प्रेस करके रखिए और जिस भी एरिया को टारगेट करना है वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो एरिया वहाँ से टारगेट हो जाएगा, ठीक है, उसका स्टेम्प बन जाएगा। अब जिस दूसरे एरिया पे जाके उसे आपको क्लोन करवाना है या कॉपी करवाना है, आप उस एरिया पे जाइए और अपने कर्सर को, अपने अपने माउस को ड्रैग करिए, जैसे ही आप ड्रैग करेंगे वैसे ही क्लोन स्टेम्प की हेल्प से वो क्लोन वहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये सनफ्लावर को ऑल्ट की हेल्प से यहाँ पे सेलेक्ट किया, क्लोन बनाया और फिर यहाँ आके जो है उसको और ड्रैग किया अपने माउस को, तो ड्रैग करते करते वो इमेज, वो सनफ्लावर की इमेज यहाँ भी कॉपी होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। सो ये है आपके क्लोन स्टैम्प का यूजेज। नाउ द नेक्स्ट इज द कलर मोड्स। अगर हम कलर मोड्स की बात करें, आपकी बुक के हिसाब से फोटोशॉप में जो है पॉपुलरली यूज कलर मोड्स हैं आरजीबी और ग्रे स्केल, ठीक है। एंड आरजीबी का क्या मतलब है, आर मीन्स रेड, जी मीन्स ग्रीन एंड बी मीन्स ब्लू, ठीक है। अगर आपने आर्ट एंड क्राफ्ट पढ़ा है, आर्ट पढ़ा है स्पेशली, तो आपको पता होगा कि रेड ग्रीन ब्लू जो है प्राइमरी कलर्स हैं, ठीक है, दीज आर द प्राइमरी कलर्स, और इनकी हेल्प से, इनके कॉम्बिनेशन से हमें बहुत सारे अनलिमिटेड कलर्स मिल जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे फोटोशॉप में क्योंकि हम इमेज पे काम कर रहे हैं, दैट मीन्स इनडायरेक्टली हम कलर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कलर स्कीम यूज होती है, कलर मोड यूज होता है, वो है आरजीबी। ऑल्दो हम यहाँ पे सीएमवाई के भी यूज करते हैं, बट आपके बुक में मेंशन नहीं है तो वी विल नॉट डिस्कस दैट। नेक्स्ट जो यहाँ पे मेंशन है वो है ग्रे स्केल। ग्रे स्केल का मतलब है ब्लैक एंड वाइट, ओके। सो कैसे आप ग्रे स्केल में किसी भी इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी स्टेप्स यहाँ मेंशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी इमेज को ओपन कर लीजिए फोटोशॉप में, उसके बाद मेन्यू बार में इमेज इमेज पर क्लिक करिए, वहाँ से मोड को सेलेक्ट करिए, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे ग्रे स्केल आपको नज़र आएगा, ग्रे स्केल को क्लिक करिए एंड फाइनली ग्रे स्केल में आपको एक डिस्कार्ड का बटन नज़र आ रहा है, उसको क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप डिस्कार्ड कर देंगे वैसे ही इमेज जो अभी कलर्ड थी, यहाँ देखिए यहाँ कलर्ड है, अब वो हो जाएगी ग्रे स्केल, ठीक है। सो ये दो कलर मोड्स हैं आपके बुक के हिसाब से। नेक्स्ट इज द फोरग्राउंड एंड द बैकग्राउंड कलर। फोरग्राउंड और बैकग्राउंड, आप अगर मैं आपको टूल बॉक्स दिखाऊं तो यहाँ पे ये रहा, ठीक है, ये ध्यान से देखिए, ये जो है ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर को रिप्रेजेंट करता है। इसको क्लिक करेंगे तो वैसे ही कलर पैलेट ओपन हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये कलर पैलेट आ जाएगा आपके पास,
ठीक है, कलर पिकर डायलॉग बॉक्स बोलते हैं इसे। यहाँ से आप कलर को पिक कर सकते हैं, जिस भी कलर को पिक करके ओके करेंगे वो कलर आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, फोरग्राउंड पे सेलेक्ट करेंगे तो फोरग्राउंड पे नज़र आएगा, बैकग्राउंड के पे क्लिक करेंगे। यहाँ मैं आपको ये यहाँ पे देखिए, ठीक है, बैकग्राउंड वाले कलर, बैकग्राउंड वाले एरिया पे क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज द फोरग्राउंड एंड द बैकग्राउंड कलर इन फोटोशॉप। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट है आई ड्रॉपर से कलर को कैसे सेलेक्ट करें। सो बेसिकली करना क्या होता है, आई ड्रॉपर का काम क्या है, कोई ऐसा कलर है जो आपको कहीं आपके कलर पैलेट में नहीं मिल रहा बट आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप आई ड्रॉपर से जाइए और उस कलर को सेलेक्ट करके जो है अपने आई ड्रॉपर के अंदर फिल कर लीजिए। उसके बाद आपको जहाँ यूज़ करना है वहाँ पे आप उसको यूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो ये आई ड्रॉपर जो है बहुत यूज़फुल टूल है। राइट, नाउ द नेक्स्ट इज़ द ब्रश टूल। ब्रश टूल क्या करता है, ब्रश टूल से आप जो है ब्रश स्ट्रोक्स मतलब पेंट कर सकते हैं अपनी इमेज के ऊपर, और आप ब्रश को सेलेक्ट करें या बी प्रेस करेंगे तो भी ब्रश एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद उसका कलर सेलेक्ट करिए, उसका साइज, उसका स्ट्रोक सेलेक्ट करिए, उसकी हार्डनेस सेलेक्ट करिए, एंड फाइनली यू कैन यू कैन यूज़ द ब्रश ऑन दी फाइल विच यू हैव ओपन, या जो भी इमेज आपके पास ओपन है उस पर आप यूज़ कर सकते हैं ब्रश को। ब्रश के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक ओपेसिटी आप उसका चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, एंड उसका बल्कि टेक्सचर भी आप चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको लीव्स का ऑप्शन भी मिलता है और ग्रास का ऑप्शन भी मिलता है, मेपल लीव्स का भी ऑप्शन मिलता है। ठीक है, सो आप जो भी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं ब्रश की हेल्प से। नेक्स्ट इज द पेंट बकेट। जब आपको इमेज के को फिल करना है सॉलिड कलर से तो आप पेंट बकेट टूल को यूज़ करिए। ठीक है, पेंट बकेट का जो है व्हाट डू वी से कीबोर्ड शॉर्टकट है जी, जी प्रेस करेंगे तो पेंट बकेट एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपको जो कलर चाहिए वो कलर पिकर से सेलेक्ट करिए और पेंट बकेट से क्लिक करके बैकग्राउंड में या जहाँ भी फिल करना है वहाँ पे फिल कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इज कंट्रास्ट एंड ब्राइटनेस। आप इमेज को के किसी भी इमेज की ब्राइटनेस कंट्रास्ट एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे, इमेज को ओपन करिए, उसके बाद इमेज मेन्यू में जाइए, वहाँ पे एडजस्टमेंट्स का ऑप्शन है, एडजस्टमेंट को क्लिक करिए, ब्राइटनेस या कंट्रास्ट जो ऑप्शन दिख रहा है उसे सेलेक्ट करिए, एंड देन वहाँ से यू यू हैव दिस स्लाइडर। ओके, आप इसे स्लाइडर से जो है बैक एंड फॉरवर्ड ले जाके सेलेक्ट कर सकते हैं, फाइनली ओके प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से फोटोशॉप आपके इमेज में ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट सेट कर देगा। नेक्स्ट इज द कलर बैलेंस। कलर बैलेंस की हेल्प से आप स्पेसिफिक कलर्स मतलब कलर्स कितने अमाउंट में आप रखना चाहते हैं वो आप डिसाइड कर सकते हैं। राइट, सो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इमेज डायलॉग इमेज मेन्यू बार में जाना पड़ेगा, वहाँ पे इमेज ऑप्शन है उसे सेलेक्ट करिए, वहाँ से एडजस्टमेंट को सेलेक्ट करिए, देन कलर मोड को सेलेक्ट करके वहाँ पे डायलॉग बॉक्स आएगा। डायलॉग बॉक्स आएगा तो वहाँ पे भी आपको ये ऐसा स्लाइडर नज़र आएगा, आप यहाँ से स्लाइड करके फाइनली ओके प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एडजस्टिंग लेवल्स। एडजस्टिंग लेवल्स आप अपनी इमेज के शैडो, हाईलाइट्स, ओके, सो ये बहुत सारी ऐसी डिटेल्स होती हैं, ये बेसिकली आप तब समझ पाएंगे जब आप थोड़ा ज़्यादा काम करेंगे इमेजेस पर। सो व्हेन यू विल स्टार्ट वर्किंग मोर ऑन द फोटोशॉप, ओके, देन यू विल अंडरस्टैंड ये माइल्ड टोन और शेडोज और हाइलाइट्स क्या होते हैं। राइट, सो जैसे ही आप इमेज बार में मेन्यू बार में इमेज को सेलेक्ट करेंगे, एडजस्टमेंट में क्लिक करेंगे तो यू गेट दिस लेवल्स। लेवल्स को सेलेक्ट करिए और लेवल्स को सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से एक ऐसा स्लाइडर डायलॉग बॉक्स दिखेगा,
यहाँ पे आप जो है चूज कर सकते हैं अमाउंट, आई मीन जो भी यहाँ पे नंबर्स आपको दिख रहे हैं अकॉर्डिंगली आप उनको इंक्रीज या डिक्रीज करके शेडो माइलस्टोन एंड हाइलाइट्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू अ वेरी इंटरेस्टिंग टूल विच इज़ द डॉज टूल। डॉज टूल जो है आप इमेज के जिस भी एरिया पे जाके डॉज टूल को अप्लाई करते हैं उस एरिया वो जो एरिया है वो लाइट होने लग जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल इमेज है और जब आपने डॉज टूल अप्लाई किया तो ऐसे लाइट लाइट होने लग गया। ठीक है, सो ये बहुत यूज़फुल है, अगर कोई डार्क एरिया है उसको आप लाइट करना चाहते हैं तो आप डॉज टूल के हेल्प से ये कर सकते हैं। जैसे ही आप डॉज टूल को सेलेक्ट करते हैं वहाँ पे ब्रश आपको मिलने लग जाता है। अब आप ब्रश का साइज चूज कर सकते हैं, अगर आपको बहुत बड़े एरिया में डॉज अप्लाई करना है तो आप ब्रश का साइज बढ़ा दीजिए, और बहुत ही फाइन एरिया में, बहुत ही छोटे एरिया में करना है तो ब्रश का साइज कम कर दीजिए। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर डॉज टूल वर्क्स। देन बर्न टूल। बर्न टूल क्या करता है, किसी भी इमेज के किसी भी एरिया को डार्क करने लग जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये नॉर्मल इमेज है और जब इस पे बर्न टूल अप्लाई किया तो ये कितना डार्क हो गया। ठीक है, सो वी कैन से कि बर्न टूल जो है डॉज का ऑपोजिट है और बर्न टूल का शॉर्टकट है ओ। फाइन, नाउ द नेक्स्ट इज दी, अच्छा हियर यू कैन सी दैट ब्लर एंड शार्पन भी दो टूल्स हैं। ब्लर जो है इमेज को ब्लर बनाता है, मतलब धुंधला बनाता है, और शार्पन क्या करता है उसको बहुत ही उसके कलर्स को बहुत शार्प करने लग जाता है। ठीक है, सो ये दो टूल्स भी काफ़ी यूजफुल रहते हैं फोटोशॉप में। द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इज फिल्टर्स इन फोटोशॉप। फोटोशॉप में फिल्टर्स क्या होते हैं? फोटोशॉप के अंदर जो है कुछ एनहैंसमेंट्स आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आर्टिस्टिक इफेक्ट्स, टेक्सचर इफेक्ट्स एंड डिस्टॉर्शंस, ये जो है ये फिल्टर्स कहलाते हैं। राइट, सो यू कैन से कि फिल्टर्स क्या करता है, दे हेल्प यू करेक्ट द डिफेक्ट्स इन योर इमेज और इनेबल यू टू टर्न अ फोटोग्राफ इन टू समथिंग दैट रिजेंबल इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग। ठीक है, तो बहुत ही लाइक एक नॉर्मल इमेज को, नॉर्मल फोटोग्राफ को बहुत ही यू नो इम्प्रेशन वाली पेंटिंग बनाने का काम करता है फिल्टर्स। ओके, ये डिफेक्ट्स भी करेक्ट करते हैं और ये बहुत ही क्रिएटिव एंड ब्यूटीफुल इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग बनाने में हेल्प करते हैं नॉर्मल पिक्चर। ठीक है, जैसे आपने एम्बॉज इफेक्ट देखा होगा, राइट, बेवल इफेक्ट देखा होगा, तो ये जो सारे इफेक्ट्स हैं या ब्लर इफेक्ट देखा होगा, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये फिल्टर्स हैं। राइट, अभी ज़रा आगे देखते हैं, अप्लाइंग डिस्टॉर्ट फिल्टर, स्फेराइज फिल्टर। डिस्टॉर्ट क्या करता है, स्ट्रेच एंड स्क्वीज द एरियाज ऑफ योर इमेज। तो ये स्ट्रेच करता है या स्क्वीज कर देता है एरिया को इमेज के अंदर। इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस है। स्फेराइज फिल्टर है जो कि इट प्रोड्यूसेस द फन हाउस इफेक्ट, इट मेक्स योर इमेज लुक मोर लाइक अ मिरर्ड स्फेयर। राइट, सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, आप इसको जब प्रैक्टिकली यूज करेंगे यू विल हैव फन यूजिंग दिस फिल्टर। राइट, सो ये कुछ एक फिल्टर्स हैं। सेकेंड आपका फिल्टर है नॉइज़ फिल्टर। नॉइज़ फिल्टर क्या करता है, जैसे सैंड होती है इमेज के अंदर, जैसे सैंड डाल दी गई हो ऐसा वाला इफेक्ट आपको डिस्प्ले कराता है। राइट, तो ग्रेनीनेस, जैसे ग्रेन्स का टेक्स्चर आपको फील होगा आपकी इमेज पे। ठीक है, वेल दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। विद दिस योर चैप्टर एंड्स। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू, एंड इफ येस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्निंग वाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।